चंडीगढ़ के सेक्टर 49 में गोली चलने की खबर सामने आई थी, जहां इस गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई थी जबकि 3 अन्य लोग घायल हुए थे, जिनमें से एक की गंभीर हालत को देखते हुए से उपचार के लिए पीजीआई में भर्ती कराया गया था। आज इसी केस के आरोपी ऋषिकेश से वापस लौटते समय क्राइम ब्रांच की इंफॉर्मेशन पर पकड़े गए हैं और बाकी जानकारी अभी आनी बाकी है। 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और 2 लोग अरेस्ट करने अभी बाकी है। जो 5 लोग अरेस्ट किए गए हैं उनके नाम है राहुल बांडा, रामदीप, सुमित, सुशील और अमनदीप नेहरा एलियस बच्ची। जो 2 लोग अभी वांटेड है उनके नाम है सुदीप और नवीन। इसके अलावा जो पूरी इंसिडेंट है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी तक हमारे पास इन 7 लोगों की इन्वॉल्वमेंट कन्फर्म्ड है। इन दोनों ग्रुप्स में पहले स्टूडेंट पॉलिटिक्स रही है। इसके अलावा 5 की शाम को पंकज विशाल ने मिलके एक न्यू चंडीगढ़ मुल्लापुर में इनके फ्लैट पे इनको मारने के मकसद से गए थे। ये लोग वहाँ पर नहीं मिले थे तो वहाँ पर खड़ी इनकी एक सिल्वर कलर की पोलो कार को इन लोगों ने वैंडलाइज किया था। जब ये लोग अपने वापस आ गए सेक्टर 49 में तो इनको पता चला कि ये लोग अटैक करने गए हैं मुल्लापुर में, उसकी इन्फॉर्मेशन अमनदीप नेहरा एलियस बच्ची ने लीक करी है। तो उन्होंने अमनदीप एलियस बच्ची के साथ मारपिटाई करी। अमनदीप एलियस बच्ची ने जो ये सेक्टर 49 में रहते उस घर का एड्रेस इनको बताया, जो हमारे एक्यूज़र राहुल मंडा, रामदीप, सुमित, सुशील, सुदीप और नवीन, इनमें से सुदीप और नवीन इन दोनों के पास पिस्टल्स थी, ये दोनों अपने पिस्टल्स के साथ, बाकी सब लोग अपने डंडे हथियार चाकू जो भी इनके हथियारों के साथ वहाँ पर पहुँचे और सुबह 7 बजे के करीब घटना को अंजाम दिया। वेपन तो हमारे पास अभी कुछ डंडे रिकवर हुए हैं, उसके अलावा गाड़ी हमारे पास एक WHI20HR20AN0846 रिकवर हुई है वाइट कलर की। ये वही गाड़ी है जिससे ये लोग आफ्टर द इंसिडेंट भागे थे। चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश टीवी के लिए मनदीप गौतम की रिपोर्ट।